जो कैंडिडेट 41 से लेकर 55 वर्ष के कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व देने का बात कर रही है, एक न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 41 से 55 वर्ष के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको ज़्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन इस बार पता नहीं मोदी जी को भी संसद चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मोदी जी का उम्र 73 यानी कि आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम लोग लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसके बारे में लोग बात करते हैं। काहे कि 2024 को लेकर के यानी कि भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला क्या लिया है, काहे कि कल परसों के पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार का न्यूज़ के माध्यम से एक न्यूज़ आया था जो कि हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे क्या फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा यानी कि इस बार का लोकसभा चुनाव में काफ़ी जोर को शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और कई अभियान भी निकलना चालू कर दिए हैं। और लोग भाजपा के जो लोग हैं इधर उधर अपना मंडली बना करके निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए, क्या कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा को तैयारी को लेकर के वो हम लोग वो लोग पूरा तैयारी में हैं। तो जिस हिसाब से तैयारी है वो लोग का ज़्यादातर इस बार युवा संसद मतलब यानी कि 41 से लेकर 55 वर्ष के जो ये कैंडिडेट है उन लोगों को ज़्यादा वो लोग प्राथमिकता देने का बातें कर रहे हैं। इसे हमारा पुष्टि नहीं है या किसी और न्यूज़ का पुष्टि से हम बता रहे हैं, लेकिन उससे ये बड़ा बात ये निकल के आ रहा है कि कुछ ये झारखंड के और हमारे भारत देश के कुछ सांसदों का टिकट भी कटने वाला है। जो उसमें से बीडी का जो बीडी सिंह का है वो बीडी उनका टिकट काटने वाला है, फिर सुनील सिंह का टिकट काटने वाला है, फिर ये माननीय निशिकांत दुबे जी का टिकट काटने वाला है, फिर माननीय सुदर्शन भगत जी का टिकट काटने वाला है, फिर पीएन सिंह का भी टिकट काटने वाला है, फिर माननीय हमारे जमशेदपुर के ये वर्तमान सांसद उनका टिकट काटने का भी बात किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर का जो विद्युत वरण माननीय विद्युत वरण महतो का जो टिकट काटने वाला है ये बहुत बड़ा हमारे ये यानी कि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा ये अचंभित कर देने वाला बात है। क्योंकि इस समय कुड़मी समुदाय के लोग अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने के लिए कई लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समय भाजपा के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा ये विद्युत वरण महतो का ये टिकट पर कैंची चल सकती है, इस प्रकार का विचार आ रहा है वो लोगों का मन में। ये कितना ये होगा, इस पे भाजपा को कितना नुकसान होगा कि कितना फायदा होगा, ये आने वाला देखने का बात है। अगर मान लेते हैं विद्युत वरण महतो को अगर भाजपा के द्वारा हटा दिया जाता है तो किसको लाया जाएगा, कौन सा महतो को लाया जाएगा, इसमें संदेह वाली बात है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जेएमएम के माध्यम से जो पिछले पूर्व विधायक माननीय कुणाल षडंगी जी जो भाजपा में आए हुए हैं, हो सकता है उनको टिकट मिल सकता है, हो सकता है विभिन्न पार्टी मतलब विभिन्न मातों लोग भी है उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ी यहाँ पूर्वी सिंहभूम की बात को लेकर के अगर होगा तो क्या कि मातों कैंडिडेट यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, कुड़मी कैंडिडेट यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। कई कई दिनों से कुड़मी कैंडिडेट यहाँ पे लड़ते हुए आए हैं और जीतते हुए हैं, कुड़मी लोगों के लिए सोचने वाली बात है और बीजेपी को लिए भी बड़ा ये फैसला हो सकता है। क्योंकि अगर कुड़मी को अगर नहीं देखते हैं, कुड़मी को अगर नज़रअंदाज कर देते हैं तो कुड़मी लोग ये अपना एकजुटता जिस प्रकार से भी झारखंड में दिखा रहे हैं चाहे बंगाल में दिखा रहे हैं, एकमुश्त भाजपा को दिक्कत हो सकता है। देखते हैं ये भाजपा का क्या राय होगा। लेकिन सबसे ये बड़ी बात यह है कि भाजपा जो नया ये मतलब नया ये जो कैंडिडेट 41 से लेकर 55 वर्ष के कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व देने का बात कर रही है, एक न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 41 से 55 वर्ष के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको ज़्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन इस बार पता नहीं मोदी जी को भी संसद चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मोदी जी का उम्र 73 यानी कि 73 वर्ष हो चुके हैं। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इस बार मोदी जी को अगर चुनाव में टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि एक न्यूज़ के द्वारा दावा किया गया है क्या कि 41 से 55 वर्ष के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। तो अभी बात यह है कि चलिए हम लोग इस पे लोकसभा संसद को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कि लोकसभा में विद्युत वरण महतो का टिकट कटेगा नहीं कटेगा, क्या कि अभी
इस कदर यहाँ झारखंड में यानी कि बंगाल में कुर्मी लोगों का आंदोलन चल रहा और कुर्मी लोगों का ही प्रत्याशी को साइड कर देना यानी कि कुर्मी लोगों का द्वारा भी ये हो सकता है कि दूसरा प्रत्याशी दिया जा रहा है, इस प्रकार का भी बातें उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस पर हम लोग जरूर एक दिन माननीय विद्युत भरण महासोद से संवाद करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि विद्युत भरण महासो के ऊपर भी कैंची चल सकता है। तो ये न्यूज है संसद के लेके पश्चिमी या पूर्वी सिंहभूम संसद के लिए और हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा न्यूज था लेकिन आपको छोटा सा न्यूज ये बहुत बड़ा प्रतिक्रिया लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुर्मी लोगों का सर्वश्रेष्ठ आंदोलन चल रहा है, उस हिसाब से कुर्मी का यानी कि विद्युत भरण महासो का टिकट कटता है या नहीं, आगे हम लोग बने रहेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।